जय हिंद साथियों, कैसा है आप लोग? सब ठीक है ना? सब ठीक है। तो आज एक स्पेशल वीडियो लेके आओ आसाम के लिए। एसएससी जीडी 2024 में फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको आपका स्कोर कितना होना चाहिए? 2 मार्क कट ऑफ से ज़्यादा है, या 3 मार्क, या 4 मार्क, या 1 मार्क, तब आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, और जिसको इम्पोर्टेंट लगता है वही कैंडिडेट देखिए, नहीं तो जिसको टाइम पास करना है वो भी देख सकता है, कोई बात नहीं। और कमेंट करना है वो भी कर सकता है, आप बुरा हो या अच्छा हो कमेंट डालते रहिए, क्योंकि कमेंट से मुझे अच्छा लगता है। कमेंट देने से मुझे ऐसा लगता है हाँ मेरे साथ तो है बहुत आदमी। कमेंट अच्छा हो या बुरा हो देना चाहिए, है ना, आपका मन का बात बोलना चाहिए। और चलिए तो बिना देरी वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। और जैसे सपोर्ट करते रहे ना, वैसे जैसे सपोर्ट कर रहा है वैसे सपोर्ट करना, क्योंकि मुझे हिंदी भी इतना नहीं आता है ना, जितना आता मैं इतना बोलने के लिए कोशिश करता हूँ। चलिए तो आसाम के लिए आप लोगों को स्कोर कितना होना चाहिए, अभी मैं पहले बता देता हूँ कट ऑफ सर क्या जाएगा, क्योंकि इस बार बहुत हाई कट ऑफ गया है। और किस लिए गया है आपको सभी को पता है, पहले था निगेटिव मार्किंग 0.50 और इस बार था 0.25, उसका वजह से कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया है। अभी आ जाता है सर, प्लीज़ बताइए क्या कट ऑफ इस बार सिलेक्शन हो पाएगा? 2 मार्क्स से 3 मार्क ज़्यादा ऐसा सिलेक्शन हो पाएगा? ज़रूर, क्यों नहीं होगा, हिम्मत रखिए, क्योंकि इस बार आपको थोड़ा सा अलग सिस्टम हो सकता है। क्या है बदलाव जो हो सकता है इस बार, फिजिकल हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल, एक ही साथ हो सकता है, बहुत ही चांस है। और नहीं होगा तब भी आपको दिक्कत नहीं है, 2 मार्क जिसका है आपको चांस मिलेगा फिजिकल एंड मेडिकल के लिए, तब आपको रेडी रहना है दोस्तों। आप ऐसा नहीं सोचना 1 मार्क जिसका ज़्यादा है मैं तो बोल नहीं सकता हूँ, जिसका 2 मार्क है या 3 मार्क ज़्यादा है उनको तो मौका मिलेगा फिजिकल के लिए, और सिलेक्शन के लिए भी मिल सकता है, क्योंकि फिजिकल में अगर 5 मार्क या 10 मार्क वाला भी आउट हो जाएगा तो आप उनको सिलेक्ट होने के लिए मौका मिलेगा जो कम मार्क रहता है, क्योंकि जिसका ज़्यादा मार्क है वो फिजिकल में क्या है उसका कमजोरी है, रनिंग नहीं करता है। अभी भी बहुत कैंडिडेट है। अरे आज हम बताने वाला हूँ एसएससी जीडी 2025 एग्जाम बैच बुक के बारे में, जो कि साक्षु प्रकाशन की है, और इस बुक से पढ़ा करेगा जरूर सक्सेस हो पाएगा। इसमें आपको 3300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें मिलता है, और 80 क्वेश्चन पेपर पैटर्न का आधार पर इस बुक को बनाया गया है, 13 सोल्व पेपर है, 20 प्रैक्टिस सेट, 100% गारंटी दिया है साक्षु ने, और बेस्ट बुक है, और इससे पढ़ा करेगा जरूर सक्सेस हो पाएगा। और सिलेबस के आधार पर इस बुक को बनाया गया है, और एसएससी जीडी कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर बेस्ट प्रैक्टिस सेट है, और इससे पढ़ाया करेगा जरूर सक्सेस हो पाएगा। हिंदी इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जी के करंट अफेयर A to Z इसमें दिया हुआ है, और बहुत ही बेहतर बुक है, सिलेक्शन लेने के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। और साक्षु का एसएससी जीडी कांस्टेबल का स्टडी गाइड भी आता है, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकता है। चाहे तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये तो ऐसे ही बोल रहा है अभी तो नहीं होगा फिजिकल, नहीं होगा कि आप जारी रखो ना, प्रैक्टिस करो, क्योंकि 5 किलोमीटर रनिंग एक दिन में नहीं होता है बाबू, एक दिन में नहीं होता है। हम लोग 6 महीना 7 महीना 2 साल साल भर पूरा प्रैक्टिस किया था। आप सोच रहे हैं ये कैसे नौकरी मिला, नौकरी कैसे मिला आपको पता नहीं, घर वाला को पता है कैसे नौकरी मिला है, कितना मेहनत से, और जो मेहनत करता है उसको ही मिलता है। चट्टा मारने वाला को नहीं मिलता है, जो आप कमेंट डालता है ना ये है वो है, बोम भर के कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा आदमी तो ऐसे पड़ा रहता है। इसलिए काम में लगो, फोकस करो, जो फोकस करेगा जो मेहनत करेगा उनका ही होगा नौकरी। रनिंग पास करके दिखाओ, मेडिकल पास करके, तभी मुझे एहसास होगा हाँ ये भाई मेहनत किया है घर के लिए, देश की सेवा के लिए। आपको बार बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, फिजिकल बहुत जल्दी होने वाला है, अभी जैसे अपडेट अभी पूरा अपडेट मिलेगा वही मैं आप लोगों में बताऊँगा। सिर्फ इस वीडियो में बना रहा हूँ आसाम के लिए, 2 या 3 मार्क वाला जरूर होगा, आप मेहनत कीजिए, फिजिकल के लिए फोकस करो, फिजिकल में आउट नहीं होना है तब आपका पूरा चांस रहेगा से फाइनल सिलेक्शन के लिए। और डॉक्यूमेंट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो, डॉक्यूमेंट्स फेक डॉक्यूमेंट्स जो भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया उसका साथ क्या हो सकता है, बहुत ही एक बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मतलब बहुत ही एक बड़ी अपडेट लेके आया हूँ और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा बहुत ही एक बड़ी अपडेट, क्या है फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। इसलिए सभी सावधान हो जाए जो भी कैंडिडेट फेक डॉक्यूमेंट्स बना के आप अप्लाई किया है। और वीडियो कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
ताकि सभी को पता चले कितना स्कोर से आपका सिलेक्शन हो सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।